अब खबर पौड़ी से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पौड़ी जनपद को सौगात दी है। बता दें कि कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने शुक्रवार को विकासखंड पाबो ब्लॉक में सौगात देते हुए 11 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसी दौरान मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि पिछले एक साल में श्रीनगर विधानसभा में 500 करोड़ से अधिक रुपए की योजनाओं का लोकार्पण वो कर चुके हैं। इसी क्रम में उन्होंने बताया कि धावी देवी पंपिंग योजना के नाम से 150 गांव को जल पहुंचाने का लक्ष्य प्रदेश सरकार द्वारा रखा गया है, जिसके ऊपर लगातार काम किया जा रहा है। पौड़ी से मुकेश बछेती की रिपोर्ट। 11 योजनाओं का आज लोकार्पण किया है, लगभग 11 करोड़ की योजनाएं थी और यहाँ पे भव्य विकास खंड बन गया है। कई रोडों का हमने डामरीकरण के लिए पैसा दिया है, कई पंचायत घरों के लिए दिया है और मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी जो श्रीनगर विधानसभा है, जितने काम हो सकते हैं वो हम लोग कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि एक साल में लगभग 500 करोड़ रुपये के मैं अभी तक उद्घाटन कर चुका हूँ, तो विकास के लिए कोई मना नहीं है। मैंने ये भी कह दिया है कि जो 4-5 हमारे राजस्व गांव छूट गए हैं यहाँ रोड के बिना, उन गांव को भी मैं अगले साल रोड देने वाला हूँ। और पावो ब्लॉक में अब लगभग 50 करोड़ की लागत से जो है धारी देवी से पानी